बहन जी, उषा बहन जी। नहीं नहीं तू जाना। बहन जी तू जाना, मैं कह रही हूँ ना। आप भेजे तो जाऊं, एक साल से मस्कर जाने के चक्कर में आखिरी चक्कर मार रहा हूँ। पूरे 50,000 रुपए दिए बहन जी। तू जा रहा है कि नहीं? कमाल है, मैं जाने के लिए कब से खड़ा हूँ और आप भेजते नहीं। यही तो, जाने के बाद फोन करना। हाँ ओके बाय। बोलो। मुझे जाना है। तू जाओ। कहाँ? जहाँ तुम जाना चाहते हो। वहाँ तो आप भेजोगे ना? तो भेज देंगे। कहाँ? जहाँ तुम जाना चाहते हो। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? लो, खुद भी कंफ्यूज हो और हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो। एक मिनट। हेलो, अरे तुम गए नहीं अब तक? हाँ? एक मिनट, ये कहाँ चला गया? हाँ नन्हे। अरे भैया। है भैया किसको बोलता है? आपको बोला। अपन भैया दिखता है क्या? भैया दिखता है क्या अपन? नहीं, ऊपर से देखने में तो भैया ही लगते हो, अभी अंदर से तो बाकी। ये भैया भैया बोलने का नहीं है, गाली नहीं देने का। नहीं, गाली नहीं दिया मैंने आपको। अभी बोला ना भैया, बोला ना अभी। नहीं भैया मैंने बोला, वो तो मैंने आपका रिस्पेक्ट किया, भैया मतलब भाई साहब। अच्छा, ए भैया नया है क्या? अभी अभी काशी नगर से उतरा हूँ। ओ, और यहाँ पे चढ़ गया? मैं नन्ने को मिलने आया हूँ, वो इसी दफ्तर में काम करता है। नन्ना? हाँ। कितना नन्ना है? एक ही नन्ना है। नहीं नहीं, दिखने में कितना नन्ना है? वैसे तो हमने उसको बहुत दिनों से देखा नहीं है, पर आप जितना नन्ना होगा। क्या? अरे इतना बड़ा आदमी आपको नन्ना दिखता है क्या? नहीं नहीं, मतलब आप शायद मुझे बता सके कि इस ऑफिस में कौन नन्ने हैं। क्या काम क्या करता है आपका नन्ना? वो लोगों को बाहर भेजता है। हाँ तो यहाँ तो सभी लोगों को बाहर भेजते हैं, अभी हम भी तुमको बाहर भेजेगा तो क्या हम नन्ना हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ऊंची जगह पर है। कितनी ऊंची जगह पे? बहुत ऊंचा बैठता है। छत पर बैठ के काम करता है क्या? अरे पोस्ट क्या है? पोस्ट प्यून है, मालिक है, मैनेजर है, क्लर्क है, क्या है क्या? वो नन्हे है। नन्हे फरिश्ते? वहाँ ऑफिस में जाइए, वहाँ एक मैडम बैठी होगी, उसको पूछिए। वो नन्हे है? नहीं, वो नन्हे नहीं है, वो नन्ही है। नन्ही है? नन्हे से। अरे तू गया नहीं अब तक? हाँ जा, मैं कब से तुझे जाने के लिए बोल रही हूँ और तू आ रहा है। तू जा। अरे हम अभी तो आए। हाँ तू जा। अच्छा रुक, आजा, बाद में जाने। हाँ हाँ, बाद में। कमाल है, कभी आने के लिए कहती है, कभी जाने के लिए कहती है। भाभी हम मुसद्दी। एक मिनट, भाभी किसे कहा आपने? आपको कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहने की? ऐसे क्या? नहीं मतलब भाभी इसलिए कहा क्योंकि भाभी तो माँ जैसी होती है ना। हाँ हाँ, अभी भाभी कहा है, बाद में माँ कहोगे? नहीं नहीं, माँ नहीं कहूंगा भाभी। फिर भाभी? मैडम बोलो, मैडम। उषा मैडम। उषा मैडम। हाँ बोलो, कहाँ जाना है? दुबई, मस्कत, सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, बांग्लादेश? जी नन्हे। ये कौन सी कंट्री है? जी नन्हे मेरी मुंह बोली बीवी की बुआ का बेटा है। क्या मुंह बोली बीवी? नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरी बीवी की मुंह बोली बुआ का बेटा है। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या करता है वो? जी लोगों को बाहर भेजता है। लोगों को बाहर तो ये भी भेजते हैं भाटिया जी। आप नन्हे हैं? पहले बताओ काम क्या है? ये यहाँ किसी नन्हे से मिलने आया है। बाहर जाना है? जी दुबई। ठीक है, यहाँ आके बैठो। थैंक यू भाभी। आप नन्हे हैं? पहले ये बताओ कि इस डब्बे में क्या है? इस डब्बे में तो नन्हे की माँ ने नन्हे के लिए लड्डू भेजे हैं। माँ माँ माँ। आप नन्हे हैं? हाँ मैं नन्हे हूँ माँ। नन्हे हम मुसद्दी जीजा, पहचाना ना? आ, पहचाना जीजा। जीजा जीजी कैसी है? जीजी तो बिल्कुल ठीक है, हम बाहर जाने के लिए आए हैं। बाहर जाने के लिए अंदर आए हो? हाँ। बाहर से बाहरी को नहीं चले गए? यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं, देश से बाहर जाने के लिए। अच्छा कहाँ? दुबई। अब गांव में तो काम रहा नहीं। अरे तो शहरों में कहाँ है? इसीलिए तो डिसाइड किया कि दुबई चले जाते हैं। तो बुआ ने कहा नन्हे के पास चले जाओ, नन्हे लोगों को बाहर भेजता है। नन्हे तुम हमें बाहर भेज दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल भेज देंगे। अरे लड्डू बहुत अच्छे हैं भाई। अच्छा, बुआ बता रही थी कि नन्हे तुम बचपन में चुरा चुरा के खाया करते थे लड्डू। बचपन में?
अरे हम तो अब भी चुरा के खा रहे हैं। अच्छा? एक काम करो, ये लो अपना डब्बा, कल आ जाना और फॉर्म भर के 50,000 रुपए जमा कर देना। वो तो हम कर देंगे, पर जाएं कहाँ? अपने घर। हमारा घर तो बांदा में है। बुआ कह रही थी कि नन्ने के पास जा रहे हो तो उसी के पास जाके रह लेना। क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे साथ नहीं ठहर सकते। काहे नहीं ठहर सकते? अरे बोला ना नहीं ठहर सकते। मगर काहे नहीं ठहर सकते? बोला ना नहीं ठहर सकते। नन्ने, हम काहे नहीं ठहर सकते तुम्हारे साथ। भाई साहब, भाटिया साहब, नमस्कार। ये लीजिए 10 ठो फॉर्म, अभी आज तत्काल भेजना लंदन। भाई साहब, ऐसे घूर के का देख रहे हो? आप थोड़े देखे जान पड़ रहे हैं। अरे 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 मुसद्दी जीजा, मुसद्दी जीजा। कौन हो भाई? नन्ने। क्या? अरे धनिया दीदी के मुंह बोली बुआ का बेटा नन्ने, भूल गए का? तुम नन्ने हो? तुम नन्ने हो तो ये कौन है? अरे तो भाटिया है, ऑफिस इंचार्ज। तुम नन्ने नहीं हो? कमाल है, हम आपको नन्ने दिखाई देते हैं। अरे तुम नन्ने नहीं हो तो हमारे लड्डू गाय के लिए ले लिए। अरे नहीं, लड्डू वापस करो। हमारे नहीं करेंगे। हम कैसे नहीं करेंगे? हमारे लड्डू ले लिए। जुजा गुस्सा पीजा। अरे तो खाना नहीं, लड्डू छोड़े छोड़िए ना। अरे कैसा आदमी है? बुआ ने कहा था नन्ने के हाथ में जाके देना ये लड्डू, और ये ससुर बोला कि ये नन्ने है, निकाल बाहर क्यों नहीं करते ऐसे लोगों को तुम दफ्तर से? जीजा जीजा जीजा, अरे बोलो ना, गेट आउट, बाहर नहीं जाते तो हम खींच के बाहर करेंगे। जुजा कहे ये निकालेगा भाटिया को? हाँ, क्यों नन्ने? नहीं नहीं, हम नहीं निकाल सकते ना। अरे काहे नहीं निकाल सकते, ये तुम्हारा दफ्तर है ना। हम यहाँ सिर्फ ब्रोकर है ना। ये ब्रोकर का होता है? दलाल, दलाली करता है शुक्ला। जीजा ने, तू दलाली करता है यहाँ? जीजा समझा करो ना। यहाँ दलाली करता है, वहाँ बुआ को जाके क्या जवाब देंगे हम? घर कहाँ है तुम्हारा? काहे? अब वहीं जाकर रहेंगे ना रात में। देखो जीजा, ये जो दुबई भाई का चक्कर छोड़ो, सीधा गांव चल जाओ वापस। अरे नहीं नन्ने। अरे जीजा, हमको नन्ने मत बोलो ना। तो काहे ना कहे नन्ने? अरे यहाँ ऑफिस है, सब शुक्ला जी बोल के रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप भी प्लीज। मतलब आप भी नन्ने ना कहे? नहीं जीजा जी, देखो घर चल के जुट्टा मार लेना, लेकिन यहाँ शुक्ला जी बोलो ना प्लीज। जीजा जी चलो ठीक है। शुक्ला जी, ये फार्म वार्म कहाँ मिलेगा? हाँ, अंदर जाते ना ऊषा मैडम के पास, फार्म भर के जमा कर दो। ठीक है, तो हम फार्म भर के आते हैं नन्ने। क्या नन्ने? नन्ने देखो देखो पटेल, रिस्पेक्ट से। अच्छा सॉरी, क्या मुर्गा तुम्हारे गांव से आया है क्या? हाँ, हमारे बहन का जीजा है, मेरा मतलब पति है। अच्छा अच्छा, तो इसको दुबई भेजोगे? अरे छोड़ो, हम 5 साल से खुद है दुबई नहीं जा पाए, इसको क्या खाद भेजेंगे दुबई? तू जाके आया, वापस कब जाएगा? और नहीं नहीं, तू जा, हमें फॉर्म भरना था। देख तुझे मेरी कसम, ललिता ना हमेशा कहती है उसका पति नेपाल रिटर्न है। मैं तो चाहती हूँ मेरा पति ओनली नेपाल हो, रिटर्न ही ना हो। तू जाओ ना। मैं जाऊंगा तो तभी जब आप भेजेंगी मुझे। क्या? हाँ हाँ, तू जा। ओके बाय। हाँ, ये फॉर्म भरो। हमें भरना नहीं आता है, आप भर दो। उसका एक्स्ट्रा लगेगा? किसका एक्स्ट्रा लगेगा? फॉर्म भरने का। हाँ तो ठीक है, दे देंगे, भरो। ठीक है, नाम बोलो। मुसद्दी लाल शुक्ला। क्वालिफिकेशन? 2 बार MA का डिग्री लिया था। लिया था? हाँ, वहाँ बांदा में मिलता है। अच्छा, क्या कर सकते हो? क्या करना होगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम क्या कर सकते हो वो पहले बताओ, तो उस हिसाब से वहाँ जॉब मिलेगा ना। प्लम्बिंग वगैरह जानते हो? नहीं। नहीं, इलेक्ट्रिशियन हो? नहीं। तो क्या खाना बनाना जानते हो? कुक, बावर्ची? नहीं नहीं। तो ड्राइविंग आती है? गाड़ी चलाना? रिक्शा चला सकता हूँ। ऑटो? अरे अरे, कहाँ चले? आप ही ने तो कहा हटो। मैंने हटो नहीं कहा, मैंने पूछा ऑटो रिक्शा, वो स्कूटर वाला चला सकते हो क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, लेकिन हम वहाँ बांदा में साइकिल वाली रिक्शा 3 पहियों वाली चलाते थे। नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ नहीं चलेगा। और क्या कर सकते हो? और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो कैटेगरी लेबर। फोटो लाया हूँ? हाँ फोटो लाया हूँ। पासपोर्ट? पासपोर्ट नहीं है। उसके एक्स्ट्रा लगेंगे? किसके एक्स्ट्रा लगेंगे? पासपोर्ट के। ठीक है, दे देंगे। अच्छा ठीक है, तो कुल मिला के 55,000 जमा कर दो। ठीक है, कहाँ जमा करने होंगे? वहाँ भाटिया जी के पास। भाटिया? उसके पास तो कभी जमा नहीं करूंगा मैं। क्यों? वो तो लड्डू चोर है, मेरे नन्हे लड्डू खा गया, मैं पैसे तो अपने नन्हे को दूंगा। अच्छा ठीक है। गुरुआ गुरु, बस अच्छा किया हमारे पास पैसा जमा कराया।
कितनी बार कहा है तुमसे कि पान थूक के बात किया करो नन्हे। मतलब शुक्ला जी गुस्सा दिला देते हो, पैसा जमा करा के हम आते हैं। अब हम जाएंगे दुबई। अरे पांडे जी वो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। तुम्हारा जीजा? अरे काहे का जीजा, हम जब 5 साल पहले यहाँ आए थे ना तो हमारा साला यही दलाली करता था। साला हमारे ही पैसे से सऊदी भाग गया साला। और तुम अपने जीजा के पैसे से? जी सर। एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान में जीजा का पीजा बनाने की प्रथा है क्या? नहीं सर, बट हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, तुम हमारी एजेंसी के पुराने दलाल हो इसलिए। अरे थैंक यू माई बाप, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनो जी सर, तुम्हारे जीजा का कोई और जीजा है? नहीं सर। तो फिर वो तो गया बेचारा। भाटिया ये लिस्ट है, दुबई से आई है, सिर्फ 6 लोगों की वैकेंसी है। सर 80 लोगों से पैसे ले चुके हम लोग तो, और खा भी चुके सर। हाँ अब किस किस को भेजेंगे? सर एक तो मेरे पति को भेजना है, आपने प्रॉमिस किया था सर। कब? उस दिन जब मैं ओवर टाइम कर रही थी। ठीक है भाई, बाकी बचे 5। सर एक हम सर पिछले 5 साल से वेटिंग लिस्ट में। सर ये शुक्ला को तो भेज ही दीजिए प्लीज। हाँ, वरना यहाँ तो पीटेगा, बहुतों के पैसे खाए हैं इसने। तो एक काम करो, एक इंटरव्यू का इंतजाम करो। इंटरव्यू? हाँ, बाकी 80 का इंटरव्यू लेंगे और चुनेंगे 10 को। नहीं सर, वीजा तो 6 का लगा है। 6 लोग प्लेन से जाएंगे और 4ों को समुद्र के रास्ते भेजेंगे चोरी चोरी। चुपके। अरे वाह नन्ने, तू तो चोरी चोरी आगे चल दिया। अरे जीजा जी सब आप ही की दया है। चली आओ, बैग टूट जाएगी। बस तुम चलो, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा जीजा जी, दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। ओके चले। अरे भाई अब हमारा नंबर कब आएगा? कब जाना चाहते हो? हम तो अभी तो जाओ। भाई साहब पिछले 1 साल से हम यहाँ के आपकी एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, 55,000 रुपया दे चुके हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा टेंशन हो रहा है। भाई साहब आपने तो सिर्फ 55,000 रुपये दिए हैं तो आपको टेंशन हो रहा है? अरे हम तो 85 लोगों से 50,000 रुपये ले चुके हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं हो रहा। अरे पैसे लेने में काहे का टेंशन है भाई? लो, खर्च करने का कोई टेंशन नहीं होता? नहीं, होता तो है पर क्या है यार, तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दिया है, वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, जैसे ही बन जाएगा तुमको भेज देंगे। साला तो चला गया, जीजा का वीजा नहीं आया। मेरा वीजा कब आएगा? अरे जब बन जाएगा। तो कब बनेगा? जब आ जाएगा। वही तो पूछ रहा हूँ कि कब आएगा। अरे अभी तो बताया था। क्या? वही जो तुमने पूछा था। क्या पूछा था? ये पूछ के आओ। क्या? जो तुमने क्या पूछा था? किससे? अरे ये हमसे मत पूछो। अरे क्या ना पूछूं, क्या क्या पूछूं? अरे पूछ के मैं तो पुछलग्गू हो गया हूँ, पर यहाँ इस ऑफिस में कोई मुझे नहीं पूछता। क्या बात है भाई, हम पूछते हैं। क्या? जो आप बताना चाहते हैं। अरे मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ। कमाल है, अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे कोई पूछता नहीं है, अभी कह रहे हो कि मैं पूछना चाहता हूँ। पहले डिसाइड करके आओ, पूछना चाहते हो या पुछलग्गू, हमें कंफ्यूज मत करो, समझे? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मैं दुबई कब जाऊंगा। जब तुम पैसे जमा करोगे। क्या पैसे? तो मैंने साल भर पहले जमा किए थे। किसके पास? नन्हे के पास। नन्हे कौन है ये? नन्हे वही अपने शुक्ला जी। तुम्हारा साला? हाँ मेरा साला। अरे वो तो तुमको जीजा बना के चला गया। मेरा नन्हे मेरे पैसे से बाहर चला गया? यही तो, वो खुद दुबई चला गया। तो अब मेरा क्या होगा? तुम्हारा कोई जीजा है? हाँ एक मुंह बोला जीजा तो है। बस तुम उसको जीजा बनाओ। आइडिया बुरा नहीं है। नेक्स्ट लॉट अगले महीने जा रहा है। अरे अगले महीने क्या, मैं तो इसी महीने आता हूँ। ये लीजिए 50,000 रुपए। किसको जीजा बनाया? जीजे को। अब तो जाऊंगा ना दुबई। नहीं पहले तो दुबई से आए हुए शेख साहब आपका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद। शेख साहब? या शेख पटेल। ये रफाक खुरफाक सरफाक। क्या बोल रहे हैं? आपको सिलेक्ट कर लिया गया। क्या? आपको सिलेक्ट कर दी, बाकी को रिजेक्ट कर दी, आप शिप में जाने की। नहीं, मैं वो शिप वाले जहाज से नहीं जाऊंगा, मैं तो हवा वाले प्लेन से जाऊंगा। प्लेन में वीजा वाले जाते हैं? इनका कहने का मतलब है कि प्लेन में वो लोग जाते हैं जिनका वीजा नकली होता है। नहीं, पर मैं तो वो हवा वाले प्लेन से ही जाऊंगा। देखो मान जाने की शिप में जाने की,
प्लेन से जाएगी, प्लेन क्रैश होगी तो बचने की चांस खुराफात, और शिप डूब जाती तो दो बातें होती, या तो तुम भी डूब जाते या तो तैर के निकल जाती। डूब जाती तो खुराफात, तैर के निकल जाती तो दो बातें होती, या तो टापू पे पहुंचती या तो किनारे पे पहुंचती। टापू पे पहुंचती तो खुराफात, किनारे पे पहुंचती। ठीक है, मैं वो शिप वाले जहाज से जाने के लिए तैयार। गोर, आखिरी सफर की तैयारी करो। है जी। जाओ सत्यलाल, दुबई से लौटना तो हमको भूल मत जाना। देखो भाई, वहां से काजू बादाम जरूर लाना। और मेरे लिए दुबई फेस्टिवल से साड़ियां। भाई हमारे लिए क्या लाएगी? आपके लिए, आप तो वहीं रहते हैं ना। खुराफात, खुराफात। अच्छा जी, टाटा 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 टाटा। जा भाई पटेल, चाय वाले आप। हाँ अभी लाए भाटिया। भाटी जी, आपको लगता है मुसद्दीलाल दुबई पहुंचेगा? पहुंचेगा, अगर शिप में रेड न पड़ी तो। और अगर पड़ गई तो? पड़ गई तो दो बातें होगी, या तो पकड़ा जाएगा या तो पानी में कूद जाएगा। अगर पकड़ी गई तो खुराफात, और कूद गई तो भी खुराफात। यही तो, अब आ जाओ वापस, 5 साल हो गए। मुझे तो लगता है तुमने वहाँ जरूर दूसरी शादी कर ली है। हाँ भाई, मस्कट, सऊदीया, दुबई, लंदन कहाँ जाएं? अरे कहीं नहीं पांडे जी, हम। अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो अपना नन्ने है, शुक्ला। यही तो, मैं कहूँ शुक्ला जी कैसे हो, कब आए दुबई से? आए क्या, भाग के आ गए। लेकिन तुम तो प्लम्बर बन के गए थे। अरे बहुत मारा भाई। किसने? शेखो ने। क्यों? अरे वहाँ ऊँट के पीठ पे बच्चों को बिठा के दौड़ाते हैं ना। हाँ। तो हमें भी वहीं बांध के दौड़ा दिया। अरे लेकिन तुम तो बच्चे नहीं हो। अरे नाम में कंफ्यूज हो गए भाई, नन्ने। यही तो, तुमने उन्हें मना नहीं किया? अरे बहुत मना किया भाई, 4 साल तक प्राइवेट जेल में रखा, तरह तरह के अत्याचार किए। शेखो ने बहुत मुश्किल से बच के आए। अरे 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 भैया, सही बात है भैया, अपना इंडिया ही भला है चाहे जो कहो। हेलो एवरीबॉडी। आप कौन? हाँ, तो सकल जानी पहचानी लग रही है। क्या नन्हे, पहचाना नहीं, जीजा। नन्हे मुसद्दी जीजा। हाँ। अरे ये तो इंसान बन गया। दुबई से लौटे क्या? नहीं, तुर्की से। तुर्की से? मगर आप तो दुबई के शिप में बैठे थे ना। हाँ, पर उस शिप पे रेड पड़ गया तो मैं समंदर में कूद गया, और तैरते 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 मैं तुर्की के किनारे पहुंच गया। वहां पे एक लड़की ने मुझे बचा लिया, मैंने उससे शादी किया और बहुत समाल बनाया। तुम सुनाओ नन्हे, तुम्हें मिली कोई शेखनी? नहीं। तो फिर क्या मिला? शेख।